मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार दिल से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि मैंने टाइप्स ऑफ कॉलम्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था लेकिन उसमें मैंने शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का डिफरेंस नहीं बताया था, इसके लिए दोस्तों मैंने आज का वीडियो अपलोड किया है जो कि है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। वैसे तो दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉलम बहुत है लेकिन आज हम सिर्फ जानेंगे कि शॉर्ट कॉलम किसे कहते हैं और लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं शॉर्ट कॉलम के बारे में। शॉर्ट कॉलम किसे कहते हैं? जब किसी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को लीस्ट लेटरल डायमेंशन से अगर आप डिवाइड करते हैं और आंसर 12 या 12 से कम आता है तो वह शॉर्ट कॉलम है। और लॉन्ग कॉलम किसे कहते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस जानेंगे और सब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम कैसे पहचानने हैं, आपके साइड पे जो कॉलम्स है वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है हम लोग कैसे जान सकते हैं, एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो लॉन्ग कॉलम क्या है वो देखते हैं। जब किसी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को हम लोग लीस्ट लेटरल डायमेंशन से जब डिवाइड करते हैं तो उसका अगर आंसर आपका 12 से ज़्यादा आता है तो समझना है कि वो लॉन्ग कॉलम है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के अंदर कौन सा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, जैसे कि मैंने बताया था कि जिस कॉलम की इफेक्टिव लेंथ को लीस्ट डायमेंशन से अगर आप डिवाइड करते हैं और उसका आंसर अगर 12 से कम आता है तो वह शॉर्ट कॉलम होता है। वैसे ही लॉन्ग कॉलम का अगर 12 के ऊपर आंसर आएगा तो वो लॉन्ग कॉलम है। दूसरा डिफरेंस बताता हूँ दोस्तों, शॉर्ट कॉलम का जो स्लेंडरनेस होता है वो 12 से कम होता है जैसे मैंने बताया, और लॉन्ग कॉलम का जो स्लेंडरनेस होता है वो ग्रेटर देन 12 होता है। तो शॉर्ट कॉलम जो होता है उसका लेस रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ध्यान से सुनिए, शॉर्ट कॉलम में लेस रेडिएशन ऑफ गायरेशन होता है और लॉन्ग कॉलम में ग्रेटर रेडियस इन गायरेशन होता है। अभी ये स्लेंडरनेस और गायरेशन, ये दो बड़े टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे हमारे सामने आए, तो दोनों को एक एक बारी समझ लेते हैं। तो स्लेंडरनेस क्या है वो पहले समझते हैं। स्लेंडरनेस यह एक रेशो है दोस्तों। तो स्लेंडरनेस रेशो किसे कहते हैं वो समझते हैं। द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, उसे स्लेंडरनेस रेशो कहते हैं। और गायरेशन का मतलब क्या है वो भी समझते हैं दोस्तों। गायरेशन क्या है, यह एक पॉइंट होता है कि जो किसी भी पार्ट का, जो भी कोई पार्ट है उसका पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है और वहां से किसी भी एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों स्लेंडरनेस और गायरेशन के ऊपर भी मैं आगे वीडियो अपलोड कर लूंगा, लेकिन अभी अगर ज़्यादा समझाने जाएंगे इसके बारे में तो हमारा शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम एक जगह पर रह जाएगा। तो समझते हैं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का डिफरेंस, अगला डिफरेंस कौन सा है। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि शॉर्ट कॉलम जो होता है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो लॉन्ग कॉलम से ज़्यादा होती है दोस्तों, और लॉन्ग कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो शॉर्ट कॉलम से कम होती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग कॉलम मतलब लॉन्ग है तो अच्छा होगा हेवी होगा, या शॉर्ट है तो छोटा है कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट कॉलम ऑलवेज बेस्ट है दोस्तों, क्यों आगे वो भी समझाऊंगा आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है, तो दोस्तों शॉर्ट कॉलम जो होता है वो लॉन्ग कॉलम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इसे हाईली प्रिफर किया जाता है, और लॉन्ग कॉलम जो है वो वीकर होता है कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम, इसके लिए इसको ज़्यादा प्रिफर नहीं किया जाता है। अगला डिफरेंस है दोस्तों, शॉर्ट कॉलम जो होता है वो सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है और लॉन्ग कॉलम जो है वो सब्जेक्टेड टू बकलिंग स्ट्रेस होता है। ये बातें ध्यान में रखिए दोस्तों, शॉर्ट कॉलम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और लॉन्ग कॉलम में बकलिंग स्ट्रेस आता है दोस्तों। अगला डिफरेंस है, शॉर्ट कॉलम जो होता है उसमें मैकेनिकल फेलियर कब आता है, जब वो शीयरिंग हो जाता है, और लॉन्ग कॉलम ज़्यादातर कब फेल होते हैं, बकलिंग की वजह से दोस्तों। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में। तो समरी यही है दोस्तों कि शॉर्ट कॉलम ऑलवेज प्रिफर होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपके साइड पे कॉलम कौन से हैं, शॉर्ट है कि
ही लॉन्ग है, ये आप भी कैसे जान सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, एग्जाम्पल साइड पे जनरली 3 मीटर हाइट होती है, स्लैब टू स्लैब 3 मीटर या 3.15। तो अगर मान लीजिए हमने 2400 का कॉलम हमारा है, 2.4 का कॉलम है और उसका विड्थ है 600, लेकिन उसका जो मोड़िया है, उसका जो मिनिमम डायमेंशन है वो 300 है। तो आपको क्या करना है, 2400 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। 8 क्या हुआ, 12 से नीचे है, 12 से कम है, तो वो शॉर्ट कॉलम है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी और डिफरेंस क्या है दोनों कॉलम्स में वो भी समझ में आ गया होगा। लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में बेस्ट कौन सा है, शॉर्ट कॉलम, ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।